अभी मैं हूँ नेपाल में और मेरा आसपास जो देख पा रहे हो ये है अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया। आज यहाँ पर मैं आया हूँ मुक्तिनाथ टेम्पल एक्सप्लोर करने, जो कि नेपाल का एक हिस्टोरिकल टेम्पल है और ये टेम्पल जो है 500 साल पुराना। वहाँ पर जो गेट आप देख रहे हो ये टेम्पल में एंट्री करने का गेट है और ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हो ये 108 सीढ़ियाँ जो है आपको क्लाइम करना है टेम्पल तक पहुँचने के लिए। और वहाँ पर जो गेट देख रहे हो वो टेम्पल का सेकेंड गेट है, उसको कवर करने के बाद और कुछ देर चलना होगा फिर हमें टेम्पल मिल जाएगा। बहुत दूर दूर से यानी देश विदेश से बहुत लोग आते हैं यहाँ पर मुक्तिनाथ टेम्पल विजिट करना। उसमें से बहुत बुज़ुर्ग होते हैं जिनको ये जो 108 सीढ़ियाँ आप देख रहे हो ना ये क्लाइम करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो इसके लिए ना पालकी का बंदोबस्त है। 10-15 डोली है। 10-15 डोली है। डोली तो चार आदमी लेके जाता है ना। ब्लू कलर का पहना ये सब घोड़ा चलाना डोली बोकना सब मिलके करते हैं। अच्छा, डोली का रेट हो गया 5,000। 5,000 4,000 और ये घोड़ा का रेट हो गया 400। घोड़ा का बहुत कम होता है। तो वहाँ पे टिकट काउंटर है ना। फर्स्ट गेट से सेकेंड गेट आने के लिए मुझे 10 मिनट समय लग गया। अगर आप ये 108 सीढ़ियां क्लाइम करने के बाद बहुत थक जाते हो, सेकेंड गेट क्रॉस करने का हिम्मत नहीं होता भाई, तो आपके लिए ना ये सीटिंग एरिया रखा गया है जहाँ पर बैठ के ना थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इतना स्टीप है भाई ये 108 स्टेप रुक रुक के आना पड़ता है। आप जब सेकेंड गेट से एंट्री करोगे ना तो गेट के उस पार का व्यू और इस पार का व्यू ना एकदम डिफरेंट है, व्यू पूरा चेंज हो जाता है। देखो इस जैसा व्यू है गेट के इस पार। ये सीढ़ियाँ चढ़ के जब ऊपर आओगे ना इस साइड से इधर ऊपर, तो आपको ऊपर में विष्णु भगवान का टेम्पल मिल जाएगा। और आधा सीढ़िया सेकेंड गेट के बाद आधा सीढ़िया चढ़ने के बाद ना आपको लेफ्ट साइड में महादेव का टेम्पल मिल जाएगा। तो पहले मैं महादेव के सामने माथा टेकूँगा, फिर मैं ऊपर जाऊंगा विष्णु भगवान के पास और टेम्पल विजिट करूंगा, आपको दिखाऊंगा। सो मेरा जो सफ़र है इंडिया से नेपाल का, मेरा फाइनल डेस्टिनेशन था मुक्तिनाथ और मैं मुक्तिनाथ टेम्पल विजिट करने जा रहा हूँ। ब्लॉग तो शुरू मैंने कर दिया है लेकिन हर एक ब्लॉग के शुरू में मैं महादेव का नाम लेता हूँ और आज महादेव का मंदिर के सामने से ही अपना माथा टेक के अपना ये ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव के नाम से आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं विष्णु भगवान की टेम्पल जो कि है मुक्तिनाथ। फाइनली मैंने वो 108 जो स्टेप है कंप्लीट कर लिए हैं और मैं विष्णु भगवान की टेम्पल मुक्तिनाथ के ठीक एकदम सामने ही खड़ा हूँ। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके सामने टेम्पल के सामने दो कुंड हैं, ये एक कुंड है उस साइड एक कुंड है, ये दोनों कुंड पापर पुण्य के कुंड के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर सभी देख रहे हैं डुबकी लगा रहा है, वहाँ पर डुबकी लगा के फिर यहाँ पर डुबकी लगा के यहाँ से उठना होता है। और मंदिर के ठीक पीछे ही है 108 धाराएं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। भोले बाबा। आप देख रहे हो ना ये पानी में सब डुबकी लगा रहे हैं ना, ये दोनों कुंड में इतना आसान नहीं है भाई। ये पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, सीधा ग्लेशियर से ये पानी आता है। ऐसे आप हाथ लगाओ ना तो भी आपको बहुत ही ठंडा फील होगा। और ये लोग तो सब नहा रहे हैं, मेरा मन है लेकिन भाई इतना ठंडा है, इतना ठंडा पानी में मैं सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुक्तिनाथ टेम्पल के एकदम पीछे ही 108 धारा निकलती है जो कि एकदम सीधा ग्लेशियर से आता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। तो बाकी जो टेम्पल का जो आसपास का सीन है ये मैंने आपको दिखा दिया, तो चलिए 108 धाराएँ देखते हैं। मुक्तिनाथ टेम्पल ना बौद्धिस्ट और हिंदू ये दोनों धर्म के लिए ही होली प्लेस माना जाता है। और ये 108 जो धाराएँ आप देख रहे हो मेरे पीछे, यहाँ पर सभी लोग आके नहाते हैं और बुद्धिस्ट और हिंदू छोड़ के बाहर से, इंडिया के बाहर से भी बहुत लोग आते हैं इस जगह को विजिट करने के लिए।
मैं अभी एकदम टेंपल के पीछे ही हूँ, क्योंकि टेंपल के अंदर ना कैमरा अलाउ नहीं है, और आपको पीछे साइड से मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर सारे जो है दिया जलाते हैं अपना मनस्कामना के लिए, और उस साइड ना पूजा होता है विष्णु भगवान का। और ये रहा टेंपल। मैंने जो देखा, मैंने जो फील किया, ये आपको दिखाया कैमरे के ज़रिए। और ठीक मंदिर से मैं अभी निकल गया हूँ, मंदिर के लेफ्ट साइड से और एक रोड चला जाता है जहाँ पर जाके ना आपको बुद्धा स्टैचू मिल जाएगा। तो मैं अभी सीधा जाऊँगा बुद्धा स्टैचू के पास और आपको ना एक राउंड सर्कल में एक व्यू दिखाऊँगा। बढ़िया अच्छा लगता है ये व्यू, तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, एक बार देख चुका हूँ, तो आपको भी दिखाने का मैं कोशिश करूँगा। तो भैया ये बुद्ध स्टैचू के एकदम सामने इंडिया टू नेपाल जो मेरा बाइक राइड था, ये यहीं पर ख़त्म होता है। आपसे मिलेंगे नया कोई डेस्टिनेशन पर, नया कोई ब्लॉग में। तब तक के लिए कीप सपोर्ट, कीप लविंग मी, और हाँ फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर यूट्यूब से देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।